बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुमल खान, प्रेजेंटिंग माय 19th लेक्चर ऑफ क्लास 3 फ्रॉम न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़, यूनिट नंबर 3+4, वर्क एंड मनी प्लस कल्चर, लेसन नंबर 9+10, मनी एंड बैंक्स प्लस कैलेंडर, पेज नंबर 56 एंड 56 to 59, प्लस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पेज नंबर 52। हियर इज योर बुक टाइटल पेज। ओके, our new unit number 4, culture, and lesson number 10, calendars. It's about calendars. We have used calendars in our houses. हम अपने घरों में calendars use करते हैं, ठीक है। the difference between the हिजरी calendar and the Gregorian calendar is that कि हम हिजरी calendars में हिजरी के हिसाब से आती होती है, और हमारे जो हमारे जो मंथ्स होते हैं, ठीक है, वो हिजरी के हिसाब से होते हैं। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर से बेसिकली बोलते हैं, मुहर्रम, सफ़र, रबी अव्वल, रबी सानी, इस तरह से हमारे इस्लामिक कैलेंडर होते हैं, लाइक दिस वन, ये। और जो हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर्स होते हैं, वो हमारे वो कैलेंडर्स होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से यूज़ करते हैं। और अपने घरों में भी डेट्स उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि कहता क्या है हमारे पास ये कैलेंडर, और कल्चर होता क्या है। बेसिकली कल्चर वो होता है जो हम अपने कंट्रीज़ में अपनी जो लाइफस्टाइल में गुजारते हैं, जिस तरीके से हम अपनी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, हमारा कल्चर क्या है। द कल्चर ऑफ अ कंट्री इज़ मेड अप ऑफ ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, आइडियाज़, फूड, आर्ट इंक्लूडिंग लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक एंड डांस एंड हैंडीक्राफ्ट्स। कल्चर हमारे पास बेसिकली होता क्या है, ये सारी चीज़ें मिला के हमारा कल्चर बनता है, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे फूड, हमारी लैंग्वेज, हमारा रहना सहना, सब कुछ हमारा जो है वो कल्चर बनाता है। Many aspects of our culture happen regularly. We use calendars to keep track of when things will happen. कह रहे कि aspects, इसके पहलू ये भी होते हैं कि हम calendars यूज़ करते हैं कि हमें पता होता है कि happenings अब क्या होने वाली है। like हम जो day celebrate करते हैं, ईद celebrate करते हैं, हम अपना कोई भी event अपने national heroes के celebrate करते हैं, वो कैलेंडर के थ्रू ही सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे यानी जब हम डेट से नहीं बताऊँगी तो हम क्या सेलिब्रेशन करेंगे किसी भी चीज़ की। लाइक आप अपनी बर्थडेज भी सेलिब्रेट करते हो इन्हीं कैलेंडर्स के थ्रू करते हो। कैलेंडर्स टेल अस द ईयर, हमें ईयर बताता है, द डेट ऑफ मंथ एंड द डे ऑफ वीक, ये सब कुछ हमें कैलेंडर बताता है। आप सबको कैलेंडर देखना आता होगा, आपके घर में भी है, आपके मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में, सब में कैलेंडर्स होते हैं जो हमें हर टाइम हर चीज़ बताता है। बाई यूजिंग नेम ऑफ नंबर्स we can say when something is going to happen or when something happened in the past. Look at these examples. This one, कह रहे हैं कि वो हमें कैलेंडर क्या बताता है कि क्या चीज़ प्रीवियस हो चुकी है। हम प्रीवियस कैलेंडर्स भी निकाल के देख सकते हैं, अब तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है कि हम प्रीवियस कैलेंडर्स भी निकाल सकते हैं और देख सकते हैं प्रीवियस क्या हुआ था, किस डेट पे, और आगे फर्दर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने प्लान आउट कर देते हैं। ऐसे नहीं स्केड्यूल्स बना लेते हैं, हम अलार्म्स लगा लेते हैं कि इस डेट को अलार्म लगाना है, हमने इस यहाँ पर जाना है या ये काम करना है। लुक एट दिस कैलेंडर, ज़िलहज, ठीक है, ज़िलहज और मुहर्रम, इस्लामिक मंथ हमारा कौन सा चल रहा है, इस्लामिक मंथ ज़ीकद हमारा स्टार्ट हो गया है, ठीक है, जो ज़िलहज, सॉरी, ज़ीकद जो है वो ख़त्म हो गया, ज़िलहज स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपको पता है ज़िलहज में हमारी ईद होती है, ईद उल अज़हा होती है, सो वो स्टार्ट हो गया हमारा। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वेन वर यू बॉर्न, कब आप पैदा हुए थे। लुक एट द कैलेंडर, कैलेंडर में आपके पास डेट्स भी होते हैं, मंथ्स भी होते हैं, नेम्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, और इवेंट्स भी बताए हुए होते हैं, इस डेट को ये होगा, इस डेट पे ये होगा, तो वो कलरिंग भी डिफरेंट हो रही होती है उनकी। इज़ द क्रिकेट मैच ऑन ट्यूजडे और ऑन वेडनेसडे, लुक एट दिस, क्रिकेट मैच कब है देख कर बताएं, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ होगा और बताया होगा उन्होंने कि क्रिकेट मैच कब है। नीचे आप देख रहे होंगे साथ में उन्होंने मुहर्रम और ज़िलहज की डेट्स भी लिखी हुई हैं कि कौन सी डेट है कौन सी नहीं। व्हेन इज़ ईद, ईद कब की है, ठीक है, ईद आप बताएंगे कब की है, सो यहाँ से आप देखकर ईद बताएंगे कब की है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट, क्या है, इन पाकिस्तान वी यूज़ टू कैलेंडर्स, पाकिस्तान में दो कैलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं, वन इज़ द ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं इंग्लिश कैलेंडर को, एंड द अदर इज़ इस्लामिक कैलेंडर, ये इस्लामिक कैलेंडर है जिसके नीचे हिजरी लिखी हुई है और जिसके नीचे इस्लामिक मंथ्स लिखे हुए होते हैं। द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज़ द क्रिश्चियंस कैलेंडर एंड इट इज़ यूज्ड इज़ मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्रिश्चियन कैलेंडर्स होते हैं जो कि पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम व्हेन जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाज बोर्न, अच्छा जीसस क्राइस्ट बोलते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पे, उस वक्त स्टार्ट किया गया था ये कैलेंडर। द ईयर्स बिफोर ऑफ बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट बोलते हैं जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बोलते हैं क्रिश्चियंस, ठीक है, तो याद रखनी है ये बात आपने। हैव BCE, बिफोर क्राइस्ट, BCE बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट यानी उनकी पैदाइश से पहले, रिटन आफ्टर दैम,
फॉर एग्जाम्पल 210 BCE द ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट हैव CE रिटन आफ्टर दैम फ्रॉम 510 CE. अच्छा बिफोर BCE बोलते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, CE आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, उनके पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद. तो ये हम यहाँ से BCE पैदा होने से पहले यूज़ करते हैं और CE बाद के लिए यूज़ करते हैं. यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ BCE बिफोर कॉमन एरा, यानी उनके पहले पैदा होने से पहले कॉमन एरा, IE फॉर एग्जांपल ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द प्रॉफिट जीसस रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है. हम तो ऑफकोर्स हमारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं तो हम उनको यही बोलते हैं, हम ईसा अलैहिस्सलाम. अच्छा जी, उन्होंने क्या कहा, डिड यू नो अक्टूबर इज़ द 10th मंथ ऑफ द ईयर बट ऑक्टो मीन्स 8th. Which other months remind you of the month number 7, 9, and 10? वो कह रहे हैं कि अक्टूबर जो है हमारा 10वां महीना होता है, आपको पता है 1 January, फिर इस तरह से आप काउंट करते जाओगे तो अक्टूबर 10th मंथ होता है. लेकिन वो कह रहे हैं ऑक्टो का मतलब होता है 8, जो हमें आगे नंबर्स का बताता है 10, 9, 10 क्या होते हैं हमारे पास. द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द टाइम इट टेक्स ऑफ द अर्थ टू गो अराउंड द सन. कहने के ग्रेगोरियन कैलेंडर इसलिए इस पर बना होता है, उस पर बेस होता है कि वो अर्थ अराउंड द सन किस तरह से कम्प्लीट करता है और वो उस तरह से हिसाब से वो अपनी डेट्स और डेज वगैरह मैंशन करते हैं, विच इज़ 365, 1/4 डेज, 1 year. एक साल में हमें पता है कि 365 डेज होते हैं, लेकिन 1/4 यानी 1/4 पार्ट भी होता है. एवरी फोर्थ ईयर 1 day इज एडेड टू फेबररी 29th फेबररी. अच्छा, लीप ईयर आपके पास होता है, या आप थ्रू क्लास में यू हैव लर्न अबाउट लीप ईयर, ये आपको पता होगा लीप ईयर क्या होता है कि हर 4 साल के बाद आता है, जिसमें फेबररी की डेट हमारे पास 29 होती है और हमारे जो डेज होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. वैसे पूरे साल में हमारे पास 365 डेज होते हैं, जब लीप ईयर होता है तो 366 डेज हो जाते हैं. To make a total of 366 days, this is called a leap year, as I have told you now. In the Gregorian calendar, the months are this type of months. ये आपको सबको पता है 12 months in a year हमारे पास होते हैं. The Islamic calendar is also used in other Muslim countries besides Pakistan. पाकिस्तान के अलावा वो कह रहे हैं दूसरी countries में, Muslim countries में Islamic calendar use किया जाता है. It dates from 622 CE, ठीक है. कहाँ से start हो रही होती है, 622 CE से starts हो रही होती हैं इनकी dates. This was the year which Muhammad Prophet sallallahu alaihi wasallam made his journey from Makkah to Medina. वो कहाँ से स्टार्ट किया हुआ होता था उन्होंने कैलेंडर, 622 years ago, ठीक है. इतने साल पहले जो है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जर्नी अपना सफ़र स्टार्ट किया था मक्का से मदीना, तब से लेके अब तक उन लोगों ने ये कैलेंडर बनाया हुआ है, इस्लामिक कैलेंडर बनाया हुआ है. द जर्नी इज़ कॉल्ड द हिजरा, ठीक है, हिजरत बोलते हैं. ऑफकोर्स हिजरत की थी उन्होंने मक्का से मदीना, तो मक्का से मदीना, तो उन्होंने हिजरा बोलते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में हिजरत बोलते हैं. द इस्लामिक कैलेंडर इज़ ऑल्सो नोन एज हिजरी कैलेंडर, एज आई हैव टोल्ड यू इन माई स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, मैंने आपको बताया हिजरी कैलेंडर बोलते हैं इसको. इन द इस्लामिक कैलेंडर द मंथ्स आर मुहर्रम, आपको पता है हमारे इंग्लिश में हम अपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बोलते हैं, लेकिन इस्लामिक कैलेंडर्स को अभी आपको मंथ्स को याद रखना चाहिए कि हमारा ये कौन सा महीना चल रहा होता है. फर्स्ट मुहर्रम होता है, फिर रबीउल अव्वल, फिर जमादुल अव्वल, रजब, रमज़ान, नहीं यहाँ पर मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, ज़िकत एंड ज़िलहज, ये हमारे 12 मंथ्स हैं. अभी हमारा लास्ट मंथ चल रहा है जिसमें हमारी ईद उल अज़हा होती है. अच्छा जी, नेक्स्ट वन वो क्या कह रहे हैं जी, एंड इस्लामिक मंथ इज़ बेस्ड ऑन द टाइम इट टेक्स फॉर द मून टू द ऑर्बिट ऑफ द सन. इस्लामिक मंथ जो है वो किस तरह से होता है, चांद की पहली तारीख को देखकर. ऐसा ही है ना, हम कहते हैं कि चांद की इतनी तारीख हो गई है, क्या डेट हो गई है, मगरिब के बाद हमारा जो डेट है वो चेंज हो जाती है. इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो डेट है ना वो मगरिब के बाद चेंज हो जाती है. लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इस्लामिक डेट की बात कर रही हूँ, अभी आज अगर 1 चल रही है तो मॉर्निंग है, 1 चल रही है तो मगरिब के बाद 2 हो जाएगी, ठीक है, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है. बट जब इंग्लिश कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अगले दिन जाके होती है, तो मैं इस्लामिक की बात बता रही हूँ अभी आपको. द लूनर साइकिल, लूनर बोलते हैं इसको आपके चांद को. लूनर साइकिल इज़ समटाइम्स 29 डेज एंड समटाइम्स 30 डेज. लूनर वो कह रहे हैं कभी कभी 29 डेज का होता है. आप देखते हो कि जब हम ईद सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारी शवाल में आती है, जो ईद उल फितर होती है, वो क्या होता है, हम डेट देख रहे होते हैं कितने रोज़े रखते हैं हम. कभी 29 रोज़े चल रहे होते हैं, कभी 30 रोज़े चल रहे होते हैं. ऐसे ही है ना, चांद पर डिपेंड करता है. चांद नज़र आ जाता है ईद का तो ईद हो जाती है 29 रोज़े के बाद, जब चांद नहीं नज़र आता तो हमारी 30 डेज चले जाते हैं. तो ये लूनर पे उस पे होता है कि उसकी साइकिलिंग पे होता है, जब नज़र आ जाता है तो उस तरह से हो जाता है.
द नंबर ऑफ डेज इन एन इस्लामिक मंथ कैन चेंज बट द टोटल नंबर ऑफ डेज इन इस्लामिक ईयर आर 354. पूरे ईयर में जो हमारे पास वैसे तो 365 डेज होते इंग्लिश में यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर में, और इस्लामिक में हमारे पास 354 होते हैं क्योंकि कभी 29 होते हैं, कभी 30, कभी 29, कभी 30, फ्लक्चुएट करते जाते हैं. दिस इज़ वाई द लेंथ ऑफ द ईयर इन इस्लामिक कैलेंडर इज शॉर्टर देन द ग्रेगोरियन सोलर कैलेंडर. ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर से उसकी शॉर्टर होती है एज. कैलेंडर्स वर मेड बाय एंशंट पीपल्स टू. एंशंट बोलते हैं पुराने ज़माने के, कदीम लोगों ने बनाए हुए हैं ये, पुराने ज़माने के लोगों ने हमारे बनाए हुए हैं कैलेंडर्स. दे डिड दिस बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग द मूवमेंट्स ऑफ द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द सीजन. ऐसा ही है कि वो मूवमेंट को देखते थे और वो अपने रिकॉर्डिंग लिख लेते थे अपने पास और फिर बताते थे ये डेट है ये इस तरह से चलेगा. सम कंट्रीज टुडे लाइक चाइना एंड इंडिया अस डियर्स यूज देयर ओन कैलेंडर्स फॉर रिलीजियस इवेंट्स. वो अपने कैलेंडर्स, ये चाइना और इंडिया जो है अपने कैलेंडर्स अपने खुद के इस्तेमाल करते हैं अपने उसके लिए, इवेंट्स के लिए. लाइक आप देख सकते हो चाइना का कैलेंडर अगर निकालो, हर वीक में उनका न्यू ईयर हो रहा होता है, हर वीक में उनका कोई ना कोई सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं. कभी आप चाइना का सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा. अलोंग द ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉर द डे टू डे बिजनेस. ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो हमारे पास, वो कहते हैं कि डे टू डे हमारा चलता रहता है. ओके, दिस इज़ द कैलेंडर ऑफ स्टोन कैलेंडर. ठीक है, एज्टेक स्टोन कैलेंडर. ये कैलेंडर उन्होंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है जिसमें उनको समझ आती है कि किस तरह से बना हुआ है. मूविंग टू योर होमवर्क ऑन पेज नंबर 59. अच्छा, पेज नंबर 59 पे आपका होमवर्क है. करना क्या है बेसिकली आपने, यू हैव द वर्ड्स, दीज वर्ड्स. ठीक है, इस्लामिक मंथ्स एंड दी ग्रेगोरियन मंथ्स, आपके पास ये सारे मंथ्स दिए हुए हैं. यू हैव टू फाइंड दीज मंथ्स इन दिस पज़ल. आपने इस पज़ल के अंदर ये सारे वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं. यू कैन सी इट, आई हैव मोस्टली डन फॉर यू हियर. मैंने मोस्टली आपके लिए यहाँ डन किया हुआ है ये ज़िकत, ज़िलहज, शवाल, मुहर्रम, रबीउल अव्वल, सफ़र, अक्टूबर और यहाँ पर ये जमादुल अव्वल. ठीक है, ये सारा मैंने फाइंड आउट किया हुआ है. आपने इंग्लिश कैलेंडर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर भी फाइंड आउट करना है और आपने ये इस्लामिक कैलेंडर भी, इधर सब फाइंड आउट करना है. यहाँ सारे हैं, ये आपने सारे फाइंड आउट कर लेने हैं. इट्स योर होमवर्क ऑन बुक एंड इट्स योर होमवर्क ऑन नोटबुक. ये आपका है क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 9. ठीक है, ये आपका लेसन नंबर 9 बार्टर सिस्टम के क्वेश्चन आंसर्स हैं ऑन पेज 52 का ये क्वेश्चन आंसर्स हैं. क्या है आपके पास, यू हैव टू डू नीट वर्क. ठीक है, आपने नीट काम करना है, नोटबुक्स को अच्छे से मेंटेन करना है. आपके पास 4 lines नोटबुक्स आप यूज़ करते हो बिकॉज यू आर इन 3 class. सो आपने ब्रॉड मार्जिन ड्रॉ करने हैं, नीट राइटिंग में अपना काम करना है. ऊपर आपने लिखना है सारा कुछ, अपना यूनिट नेम लिखना है, यूनिट नंबर लिखना है और लेसन नंबर लिखना है और लिखना है क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट इट डज बार्टर मीन. बार्टर का मतलब क्या होता है, बार्टर मीन एक्सचेंजिंग गुड्स विद अदर गुड्स एंड वर्क. ठीक है, चेंजिंग होता है चीज़ों को. व्हेन और वेयर और व्हेन वाज मनी फर्स्ट यूज्ड. पहले और कब जो है उन्होंने मनी यूज़ किया था. इन 7th century BCE बिफोर क्राइस्ट द लेडियंस, ठीक है, इन्वेंटेड मनी एंड फर्स्ट इट वॉज यूज इन लेडिया. लेडियंस जो थे उन्होंने लेडिया में यूज़ किया था और बनाया भी उन्होंने ही था पहला. वाई डू पीपल कीप देअर मनी इन द बैंक. लोग अपने पैसे बैंक में क्यों रखते हैं, टू कीप मनी सेफ, उनको सेफ करने के लिए, बचाने के लिए, ताकि उनको जो घर में है वो चोरी वगैरह से ना हो जाए. वाई डू यू थिंक पीपल फाउंड बार्टर डिफिकल्ट. लोगों को बार्टर क्यों मुश्किल लग रहा था, इट वॉज हार्ड टू कैरी लोड्स फॉर शॉपिंग. ठीक है, उनको मुश्किल इसलिए हो रहा था क्योंकि कॉइन्स और चीज़ें और इतनी सारी चीज़ें उठा कर लेके जाना और शॉपिंग करना मुश्किल होता था उनके लिए. सो डिफाइन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर को डिफाइन करना है, इनमें डिफरेंस क्या होता है. मैंने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स की डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी हैं टू डिफ्रेंशिएट दैम. द पीपल एंड बिजनेसेज दैट मेक गुड्स. प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो चीज़ें बनाते हैं, कंज्यूमर्स वो होते हैं द पीपल एंड बिजनेसेज दैट बाय एंड यूज गुड्स, जो खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं. लाइक अस, हम खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं, हम कंज्यूमर्स हैं. जो कंपनीज बनाती हैं वो प्रोड्यूसर्स होती हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच डन फॉर टुडे.